कभी भी उस व्यक्ति से ईर्ष्या मत करना, गुस्सा मत होना। जो व्यक्ति आपको बार बार कहता है कि आप नाकामयाब हैं, आप काबिल नहीं हैं, आप कामचोर हैं, आप ये चीज कर ही नहीं सकते, तो उस व्यक्ति पे हमेशा नजर बना के रखना, लेकिन उसे कभी ईर्ष्या मत करना। इसलिए ईर्ष्या मत करना कि वो कहीं ना कहीं भगवान ने बना के भेजा है आपके लिए। जब तक वो ये सारी चीजें आपको नहीं कहेगा कि तेरे बस की बात नहीं, तो नहीं कर सकता, ये शब्द नहीं बोलेगा, चाहे आपके मुंह पे बोले या आपकी पीठ पीछे बोले। अगर आपकी पीठ पीछे बोलेगा तो ये चीजें कम काम करेंगी, लेकिन अगर आपके मुंह पे बोलता है, आपसे कोई बड़ा है, आपका चाचा, मामा, फूफा, कोई भी हो सकता है, वो आपके मुंह पे बोलता भी होगा कि तेरे बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, तू क्या कर पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं भगवान ने बना के भेजा है। अगर वही इंसान सर पे हाथ फेर के कहेगा कि तुम्हारे जैसा कोई लड़का ही नहीं है मेहनत करने वाला, तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेप नीचे जाओगे। लेकिन अगर वो आपकी बुराई करता है ना आपके सामने, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, वो जलन पैदा होती है, जिस जलन से आप तूफानों को भी हरा सकते हो, समुंदर की लहरों को भी फाड़ सकते हो, हर किसी चीज़ को हरा सकते हो। एक ऐसी मेहनत करने का जज्बा मिलता है इन लोगों से जो कोई नहीं समझ सकता। मैं समझ सकता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर कोई आपके सामने बोलता है कि आपके बस की बात नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोग नहीं ले पाते ये सरकारी नौकरी, तू किस खेत की मूली है, तो सही कहता है, तू किस खेत की मूली है। तुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं उस खेत की मूली हूँ जिस खेत में लोग जाने के लिए तरसते हैं, जिस खेत में लोग जाने के लिए तरसते हैं, जिस खेत की मिट्टी को खरीदने के लिए लोग तरसते हैं, मैं उस खेत की मूली हूँ। इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा और फिर तेरे सामने आऊंगा, ये मन में कहना है, उसको बताना नहीं है, ये मन में कहना है। और एक दिन जब आप उसके सामने जाओगे तो वही इंसान आपको कहेगा कि मुझे तो पता था कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, मुझे तो पता था ये लड़का सरकारी नौकरी लेके दिखाएगा, और आज ये लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है। मैंने सही चीज बोली है, इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना। लोगों को ढूंढना जो आपकी बुराई करते हैं, और सुनना वो सच में आपकी बुराई करते हैं। अगर आपकी बुराई नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो आपके बारे में केवल अच्छा अच्छा बोलते हैं उनसे हमेशा दूर रहिए, जो आपके बारे में केवल बुरा बुरा बोलते हैं उनको अवश्य सुनिए, चाहे वो आपके चाचा हो, मामा हो, फूफा हो। आप करके दिखा सकते हैं, आखिर कौन होता है आपको रोकने वाला? कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई आपकी आंखों को बंद नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ देगा, लेकिन उन तकलीफों से ही निकल कर आपको ये सरकारी नौकरी मिलेगी। जय हिंद।